अंबाला छावनी की नगर परिषद के द्वारा अब सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस बायोमेट्रिक तरीके से लगाई जाया करेगी, चाहे वह नगर परिषद का ऑफिशियल स्टाफ हो या फिर नगर परिषद का फील्ड स्टाफ, सभी की हाजिरी अब बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा लगा करेगी। किसी के पास भी कोई बहाना नहीं चलेगा और ना ही उसको फर्लो मारने का अवसर मिल सकेगा। बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लगने के कारण अब सभी कर्मचारियों को समय से अपनी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहकर अपने कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करना पड़ेगा। कार्यालय में लगभग 550 कर्मचारी हैं। ऑफिस में स्टार्ट की गई है बायोमेट्रिक, और फील्ड्स में जो सफाई द्रो जो इसको हैंडमेड वो जो छोटी मशीनें दी गई हैं, और उनकी आज जो आफ्टरनून से बायोमेट्रिक स्टार्ट हो गई है। फायदा इसपे ये कि जो कभी कोई कर्मचारी है उसको कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा समय पे, और ये जो कोई फर्ला वगैरह इधर उधर बाहर नहीं जा सकते, इनकी हाजिरी जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित होगी। इसकी हाजिरी लगी सर 79 के अप्रोक्सीमेट आज ऑफिस में है, और बाकी फील्ड्स में 10 हैंडमेड्स हमने इनको सफाई द्रोजोस को दी है, दो दो उसकी जो वार्ड्स को सम्मिलित करते हुए, और उनकी सफाई द्रोजों की आज दोपहर को जो है बायोमेट्रिक द्वारा हाजिरी लगाई गई। कर्मचारी सभी मिला के सफाई वगैरह के 550 के आसपास। दिन में कितने टाइम लगा करेगी इससे? इसमें सुबह और 18 को हमको शाम को 5 बजे। मेरा नाम सूरज, मैं वार्ड नंबर 19 का सुपरवाइजर हूँ। इस एरिया में 26 कुल कर्मचारी 26 हैं, और आज से हमने बायोमेट्रिक मशीन चालू करी है जो कि सरकार हरियाणा सरकार के आदेश थे। धन्यवाद। हाजिरी लगी मेरे पास जो 26 कर्मचारी हैं, मेरे जो 26 के हैं 26 के 26 की हाजिरी लगी है। होगा इससे जो सरकार के आदेश हैं जी वो मानने पड़ रहे हैं, उसके आदेश जो कर्मचारी फर्लो मारा करते थे अब उनको हाजिरी पर दोनों टाइम उपस्थित होना पड़ेगा, सुबह और शाम। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।